my mom and she is my mother, मेरी मम्मा है और इनके लिए मैं शरारा बना रही हूँ. सो आपको कौन कौन से मेजरमेंट्स लेने हैं वो देख लेते हैं. तो फ्रेंड्स कमर जहाँ पे आप बांधते हैं पूछ लीजिए वहां से लेंगे हम. तो यहाँ से हम कमर लेंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ से कमर लेंगे, जिधर वो बांधते हैं वहां से कमर लेंगे. तो जैसे कि 37 इंच आ रहा है तो 37 ले लेंगे और फिर हिप भी कस्टमर से पूछ लेंगे आराम से कि कहाँ पे लिया जाए. तो हिप यहाँ पर लेने से अब 40 नीचे चला गया. सो हिप देख रहे हैं कितना आ रहा है. तो जितना भी आ रहा है उतना ले लेंगे, जैसे 45 के आसपास आ रहा है, मैं मेजर करके लिख लूंगी. और फिर फ्रेंड्स ऊपर से लेकर जहाँ पे भी बांधते हैं बिल्कुल नीचे तक लगा लीजिए और नीचे तक लगाने से 35 इंच आ रहा है, 35 इंच ले लेंगे. एंड हमें टॉप से नी से थोड़ा ऊपर बीच में रखना है शरारा जहाँ से स्टार्ट करना है. तो हम पूछ लेंगे कि आप कहाँ बांधते हैं, फिर वहां से जहां से शरारा को स्टार्ट करना है आप पूछ सकते हैं. देन हम यहाँ से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, फिर इधर से सारा खुला हो जाएगा. तो ये 40 इंच है, 14 इंच. तो यहाँ पे 14 इंच का मेजरमेंट कर लेंगे, टॉप टू अबव नी, नी घुटनों से थोड़ा ऊपर, फिर बाकी नीचे सारा खुला आ जाएगा. नीचे ऊपर इसलिए देखते हैं कि नी मूव करने में एक प्रॉब्लम ना. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग. सबसे पहले हमें जो शरारा है उसका अपर पार्ट को कट करना होगा. इसके लिए आपने रिक्वायरमेंट मेजरमेंट ले लिए कि कितनी फुल लेंथ हिप और टॉप से घुटने से थोड़ा ऊपर तक कितना आ रहा है और उसके बाद शरारा स्टार्ट होगा. कमर कितनी है, इलास्टिक जितनी भी कमर होगी जैसे 39 है उसमें से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक ले लेंगे. म्यानी में डालना चाहती हूँ, म्यानी से बहुत अच्छी कम्फर्टेबल फिटिंग आती है, इसलिए म्यानी के लिए म्यानी 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए. इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर लिया. अभी हम देखते हैं कि हमारा बाकी ये मेजरमेंट्स कैसे होंगे. तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए मैं इसको पास ले आती हूँ. सो सबसे पहले आपने देखना है कि टोटल ऊपर 2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो मैंने 2 इंच यहाँ पे लिख लिया. फिर उसके बाद ऊपर से लेकर म्यानी ऊपर से लेकर हाँ ये वाला पॉइंट तक हमें 12 इंच का मार्जिन 12 इंच चाहिए. फिर उसके बाद नीचे का हिस्सा जैसे हमने मेजर किया कि ऊपर से यहाँ से फिर यहाँ तक 14 इंच चाहिए था हमें, ये रहा. तो फिर वो हिस्से के लिए भी बचता है 2 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे. नीचे टर्निंग चाहिए आधे इंच की, ऊपर इलास्टिक की 2 इंच ये थी. तो हमने ये सारे मेजरमेंट किए तो टोटल 16.5 इंच आ रहा है. आप अपने नाप के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर से फोल्डेड पार्ट होगा, ये होगा कमर का चौथा भाग, वेस्ट डिवाइडेड बाई 2, वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच, 39 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच 11.75 आ रहा है. और फिर यहाँ से हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच और फिर वो 13 आ रहा है. उसके बाद इस साइड पे मार्जिन सिर्फ आधा इंच चाहिए और फिर उस फ्रेंड्स इधर इस साइड पे जो मार्जिन दे रहा ना आसन की साइड पे आप 2.5 इंच दीजिएगा, 2.5 उसको 2.5 इंच दीजिएगा. चार तय में फोल्ड कर लेते हैं. फ्रेंड्स आपको इसका फुल कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई बटन से भी जा सकते हैं. थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा.